Andhra Pradesh and Telangana governments have incurred significant debt to fund their election promises that have proven to be the huge financial burden on state resources. Do you believe that this affects developmental activities in the states? मैं मानता हूं कि वहां आज ऐसी स्थिति है कि सरकार के पास उन राज्यों के लिए कोई विजन ही नहीं है। देखिए छत्तीसगढ़ भी तो नया बना राज्य था, लेकिन छत्तीसगढ़ में बीजेपी को सेवा करने का मौका मिला तो हमने बीजेपी छत्तीसगढ़ को हमने एक शेप दे दिया। छत्तीसगढ़ एक बड़ा वाइब्रेंट इकोनॉमी वाला सेंटर बन गया। वैसा ही नया राज्य बनने के बाद बहुत अवसर था और उनको बहुत मदद भी मिल रही थी, तो आंध्र भी उस फायदा उठा सकता था, तेलंगाना भी उठा सकता, लेकिन दुर्भाग्य से दोनों एक स्थिति में या तो अंदर अंदर लड़ो या तो केंद्र से लड़ो, उस परिस्थिति में आ गए। उन्होंने जो नीतियां बनाई वो एक तरह से तिजोरी तो खाली कर ही देती थी, लेकिन करप्शन को बल देने वाली नीतियां बनी, उसने भी सारी व्यवस्था अर्थव्यवस्था को चरमरा दिया। आंध्र में रेत शराब माफिया ही जैसे आंध्र चला रहे ऐसी चर्चा है, तेलंगाना में भू माफियाओं का बहुत बड़ा कारोबार चल रहा है उसकी चर्चा है। अरे जिनके पास गवर्नमेंट का एजेंडा नहीं वो ऐसी फालतू चीजें करते रहते हैं। अगर आपको जनता के लिए काम करने का एजेंडा हो, रोड मैप हो, इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पसीना आप निकाल दो तब तो आप परिणाम देते हैं, और वो कमी मैं देख रहा हूं कि आजकल शॉर्टकट वाला जो खेल चल रहा है, और लिख करके रखो शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट, रेलवे स्टेशन में लिखा हुआ होता है, ये ऐसा ही हाल है लोगों का। सर, व्हाट इज योर विजन फॉर तेलंगाना, अब कैसा डेवलपमेंट करना चाहते हैं उधर? एक तो संपूर्ण देश का जो विजन है, हम 2047 विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर के चलना चाहिए, तो भारत सरकार एक डॉक्यूमेंट तैयार कर रही है, काफी मात्रा में हमने कर लिया है। मैं चाहता हूं कि राज्यों ने और केंद्र सरकार ने मिलकर के एक ही दिशा में विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर के चलना चाहिए, और उसमें हमारी तेलंगाना के पास अपनी एक समृद्ध विरासत है, क्षमता है। पहले के जमाने में तो मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली चार शहर जाने जाते थे, बेंगलुरु, हैदराबाद अपनी एक ताकत को लेकर के दुनिया में उनका नाम हुआ, लेकिन राजनीतिक स्थितियों ने स्थितियां बिगाड़ दी। मेरी दृष्टि से होलिस्टिक प्रोग्रेस के तेलंगाना में चार में पहलू देखता है। एक, हमने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जितनी तेजी कर सकते हैं करनी चाहिए। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्र में कृषि का विकास और वैल्यू एडिशन, ये दोनों चीजों पर बल देना चाहिए। और मैंने देखा है कि तेलंगाना में और आंध्र में कुछ किसान नेचुरल फार्मिंग की तरफ बल दे रहे हैं, उसको बढ़ावा देंगे तो और उनका एक ग्लोबल मार्केट मिल सकता है, तो उन दिशा में। फिर एग्रो प्रोडक्ट का प्रोसेसिंग, इस पर बल देना चाहिए। हम इंडस्ट्रियल पार्क की तरफ वहाँ जा रहे हैं ताकि वहाँ कॉटन के ग्रोवर है तो उसको भी बहुत बड़ा लाभ होगा, कुछ स्थान पर गन्ना किसान है तो हम इथेनॉल पर जा रहे हैं तो उनको बहुत बड़ा लाभ की संभावना है। दूसरा, अब जमाना है अर्बनाइजेशन होना ही होना है जी, हम रोक नहीं सकते, तो अब रोते बैठना कि अर्बनाइजेशन को अपॉर्चुनिटी मानना, मैं मानता हूं कि भारत के नेतृत्व की, हर राज्य के पॉलिटिकल लीडरशिप की नेतृत्व की कसौटी यह है कि वो अर्बनाइजेशन को अपॉर्चुनिटी माने और अभी से प्लानिंग करें। और इसलिए मुझे लगता है कि तेलंगाना के 5-7 शहरों को मोस्ट मॉडर्न डेवलप करने की दिशा में जाना चाहिए। हैदराबाद को तो ग्लोबल सिटी के रूप में डेवलप करना चाहिए, क्योंकि हैदराबाद का ग्लोबल वैल्यू है। हैदराबाद कोई एक राजधानी ऐसा नहीं है, भारत का एक शहर ऐसा नहीं है, उसकी अलग अहमियत है। खेलकूद में हैदराबाद कितना बड़ा कर रहा है जी, यानी इसलिए मैं मानता हूं कि बहुत कुछ वहां हम कर सकते हैं। चौथा है सामाजिक न्याय, मैं मानता हूं सोशल जस्टिस के बिना हम समाज में इतना बड़ा अंतर हो कि भी कुछ लोग बहुत एक्सपीरियंस हो कुछ पीछे हो तो ये नहीं चल सकता, उसके लिए जो भी आवश्यक है उनका दबाव तो उठाना चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, अब जैसे हमने नेशनल हाईवे 6 लेन बना रहे हैं,
रेलवे MMTS नेटवर्क का विस्तार हम कर रहे हैं। हैदराबाद सहित प्रमुख शहरों में वंदे भारत मेट्रो ट्रेन, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। उसी प्रकार से प्रमुख शहरों को जोड़ने वाले हाई स्पीड कॉरिडोर का निर्माण, ये हाई स्पीड कॉरिडोर बहुत बड़ी ताकत बनने वाला है। लॉजिस्टिक हब के रूप में भी वो एक प्रकार से ये कॉरिडोर काम आने वाले हैं। अब जैसे नेशनल टर्मिनल बोर्ड की बात है, नेशनल टर्मिनल बोर्ड हमें बहुत दिनों से मांग थी, हमने पूरा कर दिया। रिसर्च, इस पर हमने सरकार ने बहुत बड़ा धन दिया। हमारा देश आने वाले दिनों में एक प्रकार से फार्मेसी का हब बनेगा, और जब मैं फार्मेसी का हब बनकर कहता हूँ तो हैदराबाद में पोटेंशियल बहुत है, तेलंगाना में पोटेंशियल बहुत है। तो इन सारी चीज़ों में अगर हम विकास में बल देंगे तो बाकी तो डिजिटल है, कई चीज़ें हैं जिसको हम लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। एक जो मैं सामाजिक न्याय की बात करता था, अब देखिए मादिगा समाज कितने लंबे समय से उनके उनको तड़पाया जा रहा है। मैंने खुलकर के कहा है मादिगा समाज के साथ न्याय करने के लिए मैं पूरी तरह उनके साथ खड़ा हुआ। SC समुदाय के हितों की रक्षा, वहां बंजारा समाज इतना बड़ा है, उनको छोटी छोटी चीजों के लिए लटकाया हुआ है। यानी एक प्रकार से हमें इन चीजों की चिंता करनी चाहिए और इनकी रक्षा के लिए मैं हमारे यहाँ भी मैंने हाई लेवल कमेटी भी बनाई है, मैं इस पर काम भी कर